मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1957 में जब कोल्ड वॉर अपनी चरम पे था, उस टाइम यूएस और सोवियत यूनियन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन थे, तो दोनों ही पार्टी को डर था कि कहीं अपोजिट पार्टी न्यूक्लियर वेपन यूज न कर दे। तो दोनों ही पार्टी ने एक दूसरे का इंटेंशन पता लगाने के लिए अपने अपने जासूस भेजे। इसके बाद हमें रुडोल्फ एबल दिखाया जाता है जो कि अपनी ही पेंटिंग बना रहा है। इसके बाद एबल को किसी का फोन आता है जिस पर एबल को कुछ ऑर्डर्स मिलते हैं। तो एबल अपने घर से निकल पड़ता है और इसी वक्त एक एफबीआई का एजेंट एबल का पीछा करता है, मगर तभी थोड़ी ही देर में एबल बड़ी चतुराई से भीड़ में घुल मिलकर गायब हो जाता है। फिर वो एफबीआई वाला अपने साथी के साथ मिलकर एबल को ढूंढने लगता है। इसके बाद फिर हम एबल को एक पार्क में देखते हैं, वो बेंच पर बैठकर एक पेंटिंग बना रहा है और ऐसा करते हुए एबल सीक्रेटली बेंच के नीचे से एक कॉइन निकाल लेता है। और फिर एबल अपने घर लौट आता है और एक ब्लेड से उस कॉइन को ओपन करता है, जिसमें से उसे एक छोटा सा पेपर मिलता है जिस पर कुछ कोट्स लिखे हुए थे। असल में रुडोल्फ एबल एक रशियन स्पाई है। तभी काफी सारे एफबीआई वाले एबल के घर तक पहुंच जाते हैं और एबल को पकड़ लिया जाता है। एबल पर जासूसी का आरोप है। इसके बाद हमें जेम्स डोनावन दिखाया जाता है जो कि एक लॉयर है और वो अपने साथी से किसी क्लाइंट से रिलेटेड बात कर रहा है। इसके बाद जेम्स को एक ऑफिस बुलाया जाता है जहां उसके एसोसिएट्स उसे एक फाइल देकर बताते हैं कि एक रशियन जासूस पकड़ा गया है और हम चाहते हैं कि तुम उसका केस लड़ो। तो जेम्स कहता है कि मैं एक इंश्योरेंस लॉयर हूँ, न कि कोई क्रिमिनल लॉयर, ये मुझसे न हो पाएगा। और वैसे भी सभी अमेरिकन्स रशियन जासूस से काफी नफरत करते हैं, मगर थॉमस कहता है कि जेम्स तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ये देश की इज्जत का सवाल है। तो जेम्स मान जाता है। जेम्स फिर अपने घर पे फैमिली मेंबर को अपने न्यू केस के बारे में बताता है, तो उसकी वाइफ काफी वर्ड है और वो कहती है कि लोग हमें गद्दार घोषित कर देंगे। जेम्स तो एक जासूस को डिफेंड करने वाले हो और लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इसके बाद जेम्स एबल से मिलकर बताता है कि मिस्टर एबल, मैं आपका लॉयर हूँ, आपके ऊपर काफी सारे चार्जेस लगाए जा चुके हैं, जिनमें से सबसे बड़ा आरोप अमेरिका के एटॉमिक सीक्रेट सोवियत यूनियन को देने का है। तो एबल बताता है कि यूएस की सरकार ने मुझे ऑफर दिया है कि मैं रशियन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दूं और बदले में वो मुझ पे से सारे चार्जेस हटा देंगे, मगर मैं यूएस की सरकार के साथ कॉपरेट नहीं करना चाहता। तो जेम्स क्लियर करता है कि मैं किसी भी सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं तो बस एक लॉयर हूँ। और इसके बाद एबल अपने लिए पेंटिंग मटेरियल की डिमांड करता है, जिसके लिए जेम्स मना कर देता है। तो एबल बोलता है कि मिस्टर जेम्स, अगर कोई अमरीकी जासूस रशिया में पकड़ा जाए तो आप ये उम्मीद करेंगे ना कि उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। और जेम्स इसका कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं एक रूम में सीआई एजेंट्स पायलट गैरी पावर्स का लाई डिटेक्टर से टेस्ट कर रहे हैं, जहां यूएस के लिए इसकी लॉयल्टी का चेक होना है। इसके बाद गैरी और उसके तीन और साथी पायलट्स को एक हाई ऑफिशियल आकर बताता है कि तुम चारों बेस्ट पायलट हो और तुम्हें एक मिशन पे भेजा जाएगा, जहां तुम्हें सोवियत यूनियन में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ताकि अगर कभी भी न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होने पर हम तैयार रहें। और लास्टली ध्यान रहे कि पकड़े मत जाना। वो ऑफिशियल बताता है कि अब तुम चारों सीआईए के लिए काम करोगे। वहीं जब जेम्स अपने घर जा रहा था, तभी एक सीआईए एजेंट जेम्स को फॉलो करता है और इसका अंदाजा जेम्स को भी था। तो जेम्स उस एजेंट के डिस्ट्रेक्शन का फायदा उठाकर कार के पीछे छुप जाता है, मगर वो सीआईए का एजेंट ऐसे ही थोड़ा एजेंट बन गया। वो जल्दी से जेम्स की ट्रिक समझ जाता है और कार के पीछे आकर जेम्स तक पहुंच जाता है और फिर वो जेम्स को अपने साथ ले जाता है। वो सीआईए एजेंट अपनी आईडी दिखाकर बताता है कि मैं सीआईए एजेंट हॉफमैन हूँ। और फिर वो जेम्स से एबल के केस के बारे में पूछता है कि एबल ने तुम्हें क्या जानकारी दी, उसने तुमसे क्या कहा, अगर ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है। मगर जेम्स कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पेशावर एयर स्टेशन दिखाया जाता है, जहां एक ऑफिसर सभी पायलट को U-2 रिकॉन प्लेन दिखाता है, जो कि खास तौर पे जासूसी के लिए बनाया गया है, जिस पर बड़े बड़े कैमरा लगाए जाने हैं, जिनसे पायलट सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर नजर रख पाएंगे और इस इन्फॉर्मेशन को अमेरिका की सेफ्टी के लिए यूज किया जाएगा। वो ऑफिसर बताता है कि U-2 प्लेन 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, तो तुम किसी के नजर में नहीं आओगे। और इस पर जो कैमरा लगाए जाने हैं, वो एक बार में 70,000 फीट की ऊंचाई से 2,000 स्क्वायर मील की एकदम क्लियर फोटो ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स एफबीआई एजेंट ब्लास्को से मिलकर पूछता है कि जब आप लोगों ने एबल को अरेस्ट किया था, आप लोगों के पास कौन कौन से वारंट थे। तो ब्लास्को बताता है कि सिर्फ अरेस्ट वारंट। तो जेम्स जज से बोलता है कि एफबीआई ने जब एबल को पकड़ा, तब उनके पास सिर्फ अरेस्ट वारंट था, उनके पास सर्च वारंट तो था ही नहीं, यानी एफबीआई वालों ने बिना इजाजत के सर्च किया और जो भी एविडेंस मिले उन्हें रूल के हिसाब से कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता।
क्योंकि वो बिना सर्च वारंट के मिले हैं। तो जज उठ के बोलता है कि जेम्स बॉय, ये हक तो सिर्फ अमेरिकन को मिलता है, वो एबल तो एक रशियन स्पाई है, उसके पास अमेरिका में कोई भी राइट्स नहीं है, और वैसे भी कोर्ट की वफादारी सबसे पहले यूएस के लिए है। इसके बाद जेम्स के बेटे रॉजर की क्लास में एक वीडियो दिखाई जा रही थी, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद कितनी तबाही होती है। तो रॉजर अपने डैडी से कहता है कि डैड, आप उस रशियन को बचाना चाहते हैं जो कि हमारे देश में बॉम्ब गिराने की तैयारी करने आया है। रॉजर पूछता है कि डैडी, आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, जिसका जेम्स के पास कोई भी जवाब नहीं था। वहीं जेम्स और एबल की न्यूज़पेपर में फोटो छप गई थी, तो लोग जेम्स को गलत नजरों से देख रहे हैं कि जेम्स भी गद्दार है जो कि एक जासूस का केस लड़ रहा है। अब लगभग सभी जेम्स से नफरत करने लगे हैं। वहीं कोर्ट ट्रायल के दौरान एबल को गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है। जज फैसला लेता है कि एबल को सजा नेक्स्ट ट्रायल के दौरान सुनाई जाएगी। तो जेम्स एबल को तसल्ली देता है कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। जेम्स एबल से काफी अच्छे से पेश आता है। तो एबल पूछता है कि आप जानना चाहेंगे कि मैं असल में जासूस हूँ भी या नहीं, और मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन रशिया को दी है। तो जेम्स सिर्फ इतना कहता है कि अब क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद जेम्स जज से उसके घर जाके मिलता है और जज को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि एबल को सजाए मौत के बजाय उम्र कैद की सजा दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई अमेरिकन स्पाई रशिया में पकड़ा गया तो हमारे पास उनसे ट्रेड करने के लिए कुछ तो होगा। इसके बाद कोर्ट में जब नेक्स्ट ट्रायल होता है तो एबल को 30 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। तो कोर्ट में मौजूद लोग काफी भड़क उठते हैं कि इस जासूस को मौत की सजा क्यों नहीं सुनाई जा रही। इसके बाद जब कोर्ट का ट्रायल खत्म होता है तो जेम्स का साथी थॉमस काफी गुस्सा होता है कि जेम्स, तुम्हारा काम सिर्फ दिखावा करना था कि एक जासूस को भी बिना ट्रायल के सजा नहीं सुनाई गई, तुम्हें उसे असल में डिफेंड नहीं करना था। थॉमस कहता है कि जेम्स, तुम ये मत भूलो कि तुम एक लॉयर होने से पहले एक अमेरिकन हो। वहीं अगले दिन जब जेम्स की बेटी टीवी देख रही होती है तो कुछ लोग जेम्स के घर पे गोलियां चलाते हैं, जिससे जेम्स और उसकी फैमिली काफी डर जाती है। जब जेम्स पुलिस को अपने घर बुलाता है तो पुलिस ऑफिसर ही जेम्स से उल्टा पुल्टा बोलता है कि जासूस के साथ देने वाले आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वहीं पेशावर में ऑफिशियल पायलट से बोलता है कि तुम लोग अपने मिशन के लिए रेडी हो जाओ, और अपने मिशन पर तुम मारे भी जा सकते हो, मगर ये प्लेन और इंस्ट्रूमेंट दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए, और तुम्हें लगे कि अगर तुम पकड़े जाने वाले हो तो इज्जत से सुसाइड कर लेना। इसके बाद पायलट्स प्लेन लेकर निकल पड़ते हैं, और फिर पायलट गैरी अपने धातु कैमरे की हेल्प से फोटो लेने लगता है, मगर उसके प्लेन पे हमला हो जाता है और प्लेन गिरने लगता है। तो गैरी प्लेन से इजेक्ट होकर बाहर निकल जाता है। वहीं जेम्स के ऑफिस में एक मेल आता है जो कि ईस्ट जर्मनी से मिसेज एबल का था। तो इस मेल को पढ़कर एबल बोलता है कि ये मेल जिसने भी लिखा है वो मेरी वाइफ तो नहीं है, बेशक कोशिश अच्छी है मगर मुझे पूरा भरोसा है कि ये लेटर मेरी वाइफ का तो नहीं है। वहीं रशिया में गैरी पावर्स को पकड़ लिया गया था और उसे रशियन कोर्ट ट्रायल में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। वहीं जेम्स को सीआईए के हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, जहां सीआईए का डायरेक्टर बोलता है कि ये जो लेटर एबल के लिए आया है ये तुम, हम और एबल भी जानता है कि ये लेटर फेक है। असल में हमारा आदमी गैरी पावर्स रशिया के पास है और उनका आदमी एबल हमारे पास। शायद वो लोग प्रिजनर्स की अदला बदली करना चाहते हैं, मगर शुरुआत में रशियन गवर्नमेंट ने एबल को इवन रशियन सिटीजन मानने से भी इनकार कर दिया था। रशियन स्पाई तो दूर की बात है, और शायद इसीलिए वो लोग जर्मनी को भी इस सब में शामिल कर रहे हैं। डायरेक्टर जेम्स से बोलता है कि हम चाहते हैं कि तुम जर्मनी जाओ और एबल की बदले गैरी पावर्स का सौदा करो, और वैसे भी जेम्स, तुम एक पब्लिक सिटीजन हो और तुम्हारे पास किसी को भी रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी नहीं है। अगर मामला गड़बड़ाया भी तो तुम्हें यूएस की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली। अब तुम्हें ईस्ट बर्लिन जाना है, वहीं पर रशियन ने सौदा करने की डिमांड की है। तो जेम्स कहता है कि बर्लिन के हालात तो काफी खराब है। तो डायरेक्टर बोलता है कि तुम अपने जाने या न जाने का फैसला कर सकते हो, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा, मगर जेम्स बर्लिन जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हमें बर्लिन का सीन दिखाया जाता है, जहां आर्मी रोड के बीचों बीच दीवार बना रही है। वहीं फ्रेडरिक प्रायर नाम का लड़का अपनी साइकिल लेकर दीवार के बीच से होकर ईस्ट बर्लिन में इंटर कर रहा है। असल में यह वॉल बर्लिन को ईस्ट और वेस्ट में बांटती है, और प्रायर वेस्ट बर्लिन से ईस्ट बर्लिन में इंटर हुआ है। बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, मगर इनके लौट पाने तक रास्ता बंद हो चुका था। तो वहां मौजूद सोल्जर्स प्रायर को अरेस्ट कर लेते हैं, वो भी जासूसी के आरोप में। प्रायर बताने की कोशिश करता है कि मैं एक अमेरिकन स्टूडेंट हूँ, मगर सोल्जर उसकी बात नहीं सुनते। वहीं जेम्स भी अपनी फैमिली से झूठ बोल के जर्मनी जा रहा है, मगर उसकी वाइफ को इसका अंदाजा है कि जेम्स कहीं डेंजरस जगह पे जा रहा है। जर्मनी पहुंचने के बाद यहाँ के सीए एजेंट
जेम्स को बताते हैं कि हमें एबल के वाइफ का न्यू लेटर मिला है जिसमें उसने बर्लिन के मशहूर लॉयर वुल्फगैंग वोगल के बारे में लिखा है और वो वोगल इस समय रशियन एम्बेसी में है। जेम्स पूछता है कि इसका मतलब मुझे लॉयर वोगल से मिलना है और उसके साथ डील फाइनल करनी है, मगर एजेंट बोलते हैं कि कल तक तो मैटर यही था मगर अब थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई है। कल ईस्ट जर्मन्स ने प्रायर नाम के एक अमेरिकन बच्चे को पकड़ लिया है और उस पर जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है, तो मिस्टर जेम्स संभल कर डील करना। असल में वोगल जर्मनी का रिप्रेजेंटेटिव है। ईस्ट जर्मनी एबल के बदले प्रायर को डील करने की बात रखेगा, मगर हमें उनसे कोई भी डील नहीं करनी। हमें तो सिर्फ गैरी पावर चाहिए जो कि रशिया के कब्जे में है, वो हमें हर हाल में चाहिए। अगर गैरी का मुंह खुला तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो मिस्टर जेम्स, यहाँ तीन पार्टी शामिल हैं, रशिया, ईस्ट जर्मनी और अमेरिका। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम सोच लो, मगर मिस्टर जेम्स तुम्हें यूएस की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली। इसके बाद एजेंट हॉफमैन एक मैप दिखाकर जेम्स को रशियन एम्बेसी तक का रूट बताता है। अगले दिन जेम्स एम्बेसी तक पहुंच जाता है और वहां पर वोगल से मिलने जाता है, मगर वहां पर उसे एबल की फेक वाइफ और बाकी फैमिली मिल जाती है, मगर जेम्स समझ जाता है कि ये लोग फेक हैं। इसके बाद जेम्स की मुलाकात इवान सिस्किन से होती है जो कि सोवियत एम्बेसी का सेक्रेटरी है। इवान बताता है कि इस एक्सचेंज में वोगल शामिल नहीं हो सकता क्योंकि वो जर्मन है और मैं ही नेगोशिएट करने वाला हूँ। तो जेम्स बोलता है कि मुझे यूएस गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है एबल के बदले गैरी पावर को एक्सचेंज करने के लिए, मगर मुझे साथ में वो लड़का भी चाहिए जिसका नाम प्रायर है। तो इवान साफ साफ मना कर देता है कि हमारे पास प्रायर नहीं है क्योंकि वो तो जर्मन के पास है न कि सोवियत यूनियन के पास। मगर इवान यहाँ पर चालाकी खेलने लगता है कि मिस्टर जेम्स आप एबल को आजाद कर दीजिए और हम भी गैरी पावर्स को 2-4 महीने में आजाद कर देंगे। जिस पर जेम्स कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एबल को जेल में मरने दो। जेम्स फिर कहता है कि अब हम दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाना छोड़ के मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते। तो इवान मॉस्को से सलाह मशवरा करने का टाइम मांगता है। इसके बाद जेम्स वोगल से मिलने जाता है जो कि जर्मनी का रिप्रेजेंटेटिव है। वोगल काफी नाखुश होता है, उसे जेम्स से पहले मिलने नहीं दिया। वोगल कहता है कि सोवियत यूनियन अपने आप को समझता क्या है। इसके बाद वोगल कंटिन्यू करता है कि आपकी यूएस गवर्नमेंट हमारे जीडीआर को मान्यता नहीं देता, उनके लिए जीडीआर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मिस्टर जेम्स आप लोग हमारी जीडीआर को मान्यता दिलवा दें और बदले में हम प्रायर को लौटा देंगे। मगर जेम्स बोलता है कि मेरे पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो वोगल कहता है कि आप हमें एबल दे दो और बदले में हम प्रायर को दे देंगे। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, यहाँ तीन पार्टी शामिल हैं, यूएस, जीडीआर और सोवियत। यूएस के पास एबल है जो कि रशियन स्पाई है और जीडीआर के पास फ्रेडरिक प्रायर जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट है, और सोवियत यूनियन के पास गैरी पावर है जो कि यूएस का एक पायलट है। यूएस को गैरी पावर वापस चाहिए और जीडीआर को अपनी मान्यता, और सोवियत को रुडोल्फ एबल वापस चाहिए। इसके बाद जेम्स अपने स्टे वाली जगह पहुंच जाता है और सीआई एजेंट को सारा मैटर बता देता है। एजेंट हॉफमैन बोलता है कि इवान रशियन एम्बेसी का सेक्रेटरी नहीं है बल्कि वो केजीबी का चीफ है, वो काफी बड़ी मछली है, और वैसे भी एबल किसी को भी मिले वो जाएगा तो सोवियत के पास ही, हमें तो बस गैरी पावर चाहिए। मगर जेम्स इस सब में प्रायर को भी बचाना चाहता है, जिसके लिए एजेंट हॉफमैन साफ साफ मना कर देता है। वहीं रशिया में गैरी पावर को इंटेरोगेट किया जाता है, उसे बार बार यूट्यूब प्लेन और उस पर लगे कैमरे के बारे में पूछा जाता है। वहीं अमेरिका में सीए एजेंट रुडोल्फ एबल को एक्सचेंज करने के लिए ले जाते हैं। इसके बाद जेम्स की इवान से दूसरी मीटिंग होती है जहां पे इवान बताता है कि रशिया इस एक्सचेंज के लिए राजी है और इस अदला बदली को ग्लिनिकल ब्रिज पे किया जाएगा। इसके बाद जब जेम्स वोगल से मिलता है तो वोगल काफी भड़कता है कि मुझे पता चला है कि डील में यूएसएसआर भी शामिल है, और मिस्टर जेम्स आपने एबल को हमें और सोवियत यूनियन दोनों को देने का वादा कर दिया है, ये तो साफ साफ धोखाधड़ी है और इस फैसले से जीडीआर खुश नहीं है। इसके बाद जेम्स हॉफमैन से मिलके रशिया का डिसीजन बताता है और ऐसा सुनकर हॉफमैन काफी खुश होता है। इसके बाद जेम्स जीडीआर के अटॉर्नी जनरल से मिलता है, मगर यहाँ पे कोई भी बात नहीं बनती। तो जेम्स अटॉर्नी जनरल के आदमी से बात करता है और बोलता है कि अटॉर्नी को मैसेज देना कि रशिया और अमेरिका के बीच सौदा तब तक नहीं होगा जब तक अमेरिका को प्रायर नहीं मिल जाता, और अगर फिर भी डील नहीं होती तो उन्हें बताना कि रशिया को एबल नहीं मिलने वाला और जीडीआर को सोवियत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जीडीआर की जिद की वजह से एक्सचेंज का सौदा चेंज हो गया और फिर जीडीआर की वजह से एबल अपने घर नहीं लौट पाएगा, तो शायद एबल अपना मुंह खोल दे जिसे जीडीआर और सोवियत दोनों को काफी नुकसान हो सकता है। जब सभी लोग अगले दिन डील होने का वेट कर रहे थे तो इन्हें फोन आता है कि जीडीआर भी प्रायर को लौटाने के लिए तैयार हो चुका है, यानी यूएस एबल को रशिया को दे देगा।
और रशिया गैरी पावर को अमेरिका को दे देगा और जीडीआर प्रायर को अमेरिका को लौटा देगा, क्योंकि जीडीआर इस हालत में नहीं है कि वो दो सुपर पावर का गुस्सा एक साथ झेल सके। मगर जीडीआर प्रायर को किसी और जगह आजाद करने वाला है। अगले दिन जेम्स और सीआई वाले एक्सचेंज टाइम का वेट करते हैं। इसके बाद रोडोल भी यहाँ तक पहुंच जाता है और फिर रशियन भी गैरी पावर को लेकर यहाँ तक पहुंच जाते हैं। दोनों ही तरफ से लोग अपने अपने आदमियों की पहचान करते हैं, मगर जीडीआर वाले प्रायर को लेके अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे थे। तो ब्रिज पर रशियन जल्दी से एबल को भेजने के लिए कहते हैं, मगर अब एबल जेम्स की बहुत इज्जत करता है तो वो कहता है कि मैं इंतजार करूंगा, आखिर जेम्स के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। और थोड़ी ही देर में जीडीआर वाले प्रायर को चार्ली चेकपॉइंट पे ले आते हैं और इसकी खबर सुनकर जेम्स काफी खुश होता है। रोडोल्फ कहता है कि जेम्स मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, और वो जेम्स को थैंक्स बोलता है। और फिर गैरी और एबल अपने भी लोगों की तरफ निकल पड़ते हैं। जेम्स को भी ये सब करके काफी सुकून मिलता है। इसके बाद जेम्स वगैरह प्लेन से यूएस के लिए निकल पड़ते हैं, जहां जेम्स को एबल का गिफ्ट मिलता है जो कि जेम्स की पेंटिंग थी जिसे एबल ने उसके लिए बनाया था। और फिर जेम्स अपने घर लौट आता है। उसकी मैडम अपने हीरो को देख के काफी खुश होती है। इसके बाद जेम्स की फैमिली टीवी पर न्यूज देखती है कि जेम्स डोनोवन गैरी और प्रायर को आजाद करा के यूएस लौटा लाया है। जेम्स की वाइफ अपने हीरो की बहादुरी पे काफी खुश होती है और काफी प्राउड फील करती है। और जेम्स घर लौट के चैन की नींद सोता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रेन में मौजूद एक लेडी न्यूज पढ़ के जेम्स को स्माइल देती है। अब लोगों का नजरिया जेम्स के लिए बदल चुका था। इसके बाद फिर हमें बताया जाता है कि एबल भी अपनी फैमिली के पास वापस पहुंच चुका है। 1977 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में गैरी पावर की मौत हो गई, मगर गैरी को अपनी लाइफ टाइम में काफी मेडल मिले। प्रायर ने अपनी पीएचडी पूरी कर ली और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है अब। और अपने हीरो जेम्स से प्रेसिडेंट कैनेडी ने यूएस के बिहाव पे अगली इम्पोर्टेंट नेगोशिएशन करवाई, जिसमें जेम्स को क्यूबा भेजा गया 1113 कैदियों को रिहा करवाने। मगर जेम्स डोनोवन ने नेगोशिएशन के बाद 9703 लोगों को आजाद करवाया। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।